लोग आपकी शोहरत को लेके बड़ा हो रहे हैं, मीडिया पे भी आपकी वीडियोस गर्दिश करती रहती हैं कि आपकी शोहरत और पैसा वगैरह, ये क्या मामला आते हैं? शोहरत देखिए, इज्जत जो होती है ना, शोहरत जो होती है अल्लाह के काम होते हैं, अल्लाह के हाथ में होता है, वो जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे। तो इंसानों का इसमें कोई काम ही नहीं है, तो लोगों का काम होता है कि वो हर चीज को क्रिटिसाइज करना है उन्होंने। अगर लोग तनकीद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लोगों का काम है बातें करना। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत पहले हैं जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं बातें कर लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो खुद भी अभी भी कुछ नहीं है और जिनको पता है मुस्तकबिल में भी कुछ नहीं करने वाले, तो इनके पास करने के लिए क्या बचता है? सिर्फ बातें वो कर लेते हैं। अच्छा, के जो सनम जावेद हैं वो पैराशूटर हैं, पहले इनका कोई पार्टी के लिए भी वर्किंग नहीं है, एकदम से आई हैं और इतनी मकबूल हो गई हैं, वजूहत? सब मैंने इसीलिए ट्विटर पर अपनी पिक्चर लगाई थी 2014 की, जब मेरी बेटी पहली दफा मेरे साथ खान साहब के लाहौर वाले मीनार पाकिस्तान वाले जलसे पे गई थी। मसला ये है कि लोगों को, लोग वो बोलते हैं जितना उनको पता होता है। पहले हम लोग सामने नहीं थे क्योंकि जरूरत महसूस नहीं हुई, एक साथ से हम सामने हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर अभी भी घरों में बैठे रहेंगे तो इस तरह नहीं चल सकेगा। हमारे घर खान साहब आए हुए हैं 2014 वाके जलसे के बाद, क्योंकि मेरे जेठ तब से इलेक्शन लड़ते हैं, तो लोगों को उतना ही पता होता है जितना उनका दिमाग होता है, जितना उनके पास मालूम होती है। हम अभी कहीं से नहीं आए हैं, मगर सबूत है ना, मैं जरूरी नहीं समझते, लेकिन फिर भी मैंने मुंह बंद करने के लिए पिक्चर लगा दी थी 2014 की। आयो काफी लोगों की आग ठंडी हुई होगी। पीटीआई आपको फंडिंग भी करती है? जरूरत नहीं है मुझे फंड की।